मंडी जिला पुलिस द्वारा विंटर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस वर्ग में सगे भाइयों ने बाकी प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए जीत हासिल की। एक भाई पहले तो दूसरा भाई तीसरे स्थान पर रहा। ये दोनों मंडी जिला के हटगढ़ गांव के रहने वाले हैं। जिला पुलिस ने ये हाफ मैराथन प्रदेश में बढ़ रहे नशाखोरी को रोकने का संदेश फैलाने के उद्देश्य से आयोजित की थी, जिसमें प्रदेश भर से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। मैराथन को तीन वर्गों में बांटा गया। पुरुष वर्ग के लिए 21 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित की गई, जिसमें राकेश कुमार सुपुत्र नानक चंद निवासी हटगढ़ ने पहला, अनीश चंदेल ने दूसरा, जबकि नागेंद्र पाल ने तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग के लिए 11 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित की गई थी, जिसमें कनिजो देवी पुत्री मेहर सिंह ने पहला, गार्गी शर्मा ने दूसरा और सुनीता ने तीसरा स्थान हासिल किया। ये तीनों धर्मशाला की रहने वाली हैं और स्पोर्ट्स हॉस्टल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। वहीं तीसरे वर्ग में रन फॉर फन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों, पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित अन्य आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया। विंटर हाफ मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग के प्रतिभागियों को 25, 15 और 10,000 की राशि देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान सेंट्रल रेंज मंडी के आईजी कपिल शर्मा ने प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने विंटर हाफ मैराथन को लेकर खासा उत्साह दिखाया है और भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों को बढ़ावा दिया जाएगा। कपिल शर्मा ने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों की तरफ अधिक ध्यान देने का आह्वान भी किया। वर्तमान में हिमाचल पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है और इसमें पूरे हिमाचल में हमें आशातीत सफलता मिली है और विशेषतः मंडी का भी इसमें काफी योगदान रहा है। और आज का जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, ये सभी को एनलाइटन करने के लिए किया गया है कि नशे के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। और यहां का पार्टिसिपेशन देखकर मुझे लगता है कि यहां के सभी वर्ग के लोग, चाहे वो युवा हैं चाहे बच्चे हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और मुझे आशा है कि हम आने वाले समय में इस जो ये नशे का दुष्प्रभाव है, इसके बारे में सभी को जागृत करने में, उनको एनलाइटन करने में, उनको ये बताने में कि इसके बुरे प्रभाव क्या क्या होते हैं, सफल होंगे और हमें जो है वो जनमानस का सहयोग जो है इसमें मिलता रहे।